नमस्कार दोस्तों, ब्लस स्टार्टअप की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से गुजरेगा तथा इसकी लेंथ 594 किलोमीटर है। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे की लेंथ काफी ज्यादा है, इस कारण इसका जो निर्माण है यह भी काफी चुनौतीपूर्ण है। कई सारे नदियों पे बड़े बड़े पुल बनाए जाने हैं, इसके अलावा इसको कई सारे एक्सप्रेसवे रिंग रोड से भी कनेक्ट करना है, तो एक्सप्रेसवे का निर्माण काफी ज्यादा यूनिक होने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा है कि इसके लिए हम इंटरनेशनल बीडर्स को भी इनवाइट करें। तो जो प्री बीडिंग हुई थी उसके तहत बहुत सारे इंटरनेशनल फार्म ने भी प्री बीडिंग में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य 2021 के जनवरी में शुरू हुआ था तथा ये जो लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ था इसमें दोस्तों तहसील द्वारा यूपीडा डायरेक्ट भूमि खरीद रही थी किसानों से। 4 महीने हो गए हैं। राज्य सरकार ने तय किया था कि करीब जून तक 90% यहाँ पर लैंड एक्विजिशन हो सके गंगा एक्सप्रेसवे के लिए, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क 90% लैंड एक्विजिशन के बाद शुरू कर दें। तो इस बीच बीड्स भी इनवाइट करने थे, क्योंकि दोस्तों सरकार भूमि अधिग्रहण को इतना तेज करना चाहती है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जो भी डेवलपर हो उसको निर्माण में कोई दिक्कत ना आए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए ये लैंड एक्विजिशन इतना ज्यादा करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करेगी। तो अप्रैल की 15 तारीख तक 26% भूमि का अधिग्रहण हुआ था। फिर दोस्तों अचानक भूमि का जो अधिग्रहण है वो थोड़ा और तेज हो गया था। आपको बता दें कि जो एक्सप्रेसवे है इसके लिए करीब 6674 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित करना है, इसमें से अभी 2730 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिग्रहण काफी तेज किया है और करीब जितना अधिग्रहण हुआ है इसमें 200 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण हो सकता है। करीब अभी अनुमान के मुताबिक 37% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। तो इन 15 दिनों में भूमि अधिग्रहण थोड़ा तेज हुआ, लेकिन दोस्तों पिछले 5 दिनों में जो भूमि अधिग्रहण है इसकी रफ्तार काफी कम हो गई है। अब इसका एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कोरोना वायरस। तो जो स्टाफ थे जो भूमि अधिग्रहण का कार्य कर रहे थे उनमें से भी बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया है, तो इसी कारण जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है वो काफी हद तक ठप पड़ गया है। पिछले 5 दिनों में केवल हरदोई में ही भूमि खरीदी गई है। तो दोस्तों सरकार का जो टारगेट है वो तो काफी बड़ा है, करीब इन 2 महीनों में 53% भूमि का अधिग्रहण करना है, तभी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। तो दोस्तों अभी जो कोरोना केसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं तो अभी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि इतना भूमि अधिग्रहण हो पाएगा जून तक। हो सकता है कि भूमि अधिग्रहण का कार्य और भी लंबा करना पड़े। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।